बातें पूछना चाहती हूँ वीरेंद्र बिष्ट जी से। हाँ आप कह रहे हैं कि विकास कार्य बाधित नहीं हुए, तो बिष्ट जी ये बताइए कि ये विकास कार्य आखिर किसके लिए होते हैं? जनता के लिए? ये स्मार्ट सिटी जो आप बना रहे हैं, मैं इसकी खामियों पे भी नहीं जा रही हूँ, ये किसके लिए है? उन्हीं लोगों के लिए ना जिनकी मौतें हो रही है। उनकी मौतें क्यों हो रही है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मजबूत नहीं किया गया। मैंने आपको कहा एकता विहार में कोरोना वॉरियर्स बैठे हैं और बार बार धन सिंह रावत जी ने कहा है कि उनकी नौकरियां वापस उनको दी जाएंगी, मगर दी नहीं गई। मगर आप वार्ता नहीं करते। धन सिंह रावत डरते हैं, मुख्यमंत्री जी डरते हैं, टाइम देते हैं फिर मुलाकात नहीं करते। धन सिंह रावत क्यों नहीं पूछते मुख्यमंत्री उनसे? दूसरी बात, 75 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए 2020-21 से, और आप कह रहे हैं कि उसमें उसे देखा जा रहा है। 300 करोड़ रुपए अगर हमें मिले और उसमें से 75 करोड़ आपको आपको मिल चुके हैं और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे? आपने अभी जो बातें कही, आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे, यही तो कह रहे हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं इनका काम है बोलना चिल्लाना, ये चिल्लाते रहे हम नहीं सुनेंगे, कोई विरोध करे हम नहीं सुनेंगे, कोई प्रदर्शन करे हम नहीं सुनेंगे। तो आप बताइए कि क्या आप सुनेंगे? क्या आप जिम्मेदारी तय करेंगे उन अधिकारियों की जिन्होंने 75 करोड़ रुपए जो है वो खर्च नहीं करे, और उन मंत्रियों की जो रिस्पॉन्सिबल है?